इंदौर शहर के कई थाना क्षेत्रों में रेकी कर वाहन चुराने वाले गैंग के 5 सदस्यों को एरोड्रम पुलिस ने धर दबोचा है, जिनके पास से 5 वाहन जब्त किए गए हैं। चोरों द्वारा अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए शहर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े चोरों से अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ जारी है। इंदौर के एरोड्रम में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा गया था, जो कि कीमती बुलेट मोटरसाइकिल को सस्ते दामों में बेचने की फिराक में क्षेत्र में घूम रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस थाने लेकर आई और जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपने अन्य 3 चोर साथियों का भी खुलासा किया है, जिनके पास से भी हजारों रुपए की कीमती मोटरसाइकिल जब्त की गई है। 5 आरोपियों के नाम राजू राठौर, राहुल राठौर, रविंद्र उर्फ संजू, अजय उर्फ अज्जू राठौर, विशाल चौहान है। 5 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए एरोड्रम सहित शहर के कई थाना क्षेत्रों में कीमती महंगी गाड़ियों की रेकी कर उनके लॉक तोड़कर वाहनों को लेकर फरार हो जाते थे और उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए चोरों से 5 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वाहनों में एक बाणगंगा तो वहीं किशनगंज की भी चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। थाना एरोड्रम में दिनांक 29 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सस्ते दामों पर बुलेट बेच रहा है। उक्त सूचना पर जब पुलिस घेराबंदी कर पकड़ा गया तो ये पता चला कि 2 व्यक्ति है जो एक मोटरसाइकिल बुलेट बेच रहे, जो उनके द्वारा थाना एरोड्रम से चोरी करना पाया गया। उसके पता उनसे 2 अन्य मोटरसाइकिल और बरामद की गई जो थाना एरोड्रम की थी, एक मोटरसाइकिल थाना बाणगंगा की तथा एक किशनगंज थाने की। इस प्रकार कुल 5 मोटरसाइकिलें, जिनमें 2 बुलेट, एक R15 और 2 अन्य मोटरसाइकिल, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनसे 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।